फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूट का बाजू। तो ये देखिए हम बाजू कैसे बनाते हैं। सूट का कटिंग तो कर लिए, लेकिन किसी किसी को बाजू कटिंग करने में दिक्कत होती है। तो इसको हम यहाँ से, ये देखिए, ये पीछे का पल्ला हो या आगे का पल्ला हो, यहाँ से हम ऐसे इसको देख लेंगे। यहाँ से जहाँ से फिटिंग है वहां से हम इसको फीता को ऐसे रखेंगे। यहाँ से इसका गोलाई देखेंगे, इसका गोलाई 7 इंची आ रहा है। तो कपड़ा का भी चौड़ाई हम 7 इंची लेंगे और इसका बाजू का लंबाई जितना आपको बाजू का लंबाई लेना होगा उतना लीजिएगा। तो ये देखिए बाजू का चौड़ाई है यहाँ से 7 इंची, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम यहाँ से सीधा निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम लेंगे इसमें 1.5 इंची, यहाँ से ऐसे करके सिलाई मार्जिन या तुरपाई के लिए भी बोल सकते हैं। यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, हमको बाजू 14 इंची पर तैयार। इसका बाजू का लंबाई 14 इंची रखना है, तो मैं यहाँ से 14.5 इंची पर निशान लगाऊंगी ऐसे करके, ये देख सकते हैं यहाँ से। अब इसमें हम यहाँ से ऐसे करके 2.5 इंची कम कर देंगे, यहाँ पर आ रहा है, इसको हम ऐसे बाजू का शेप देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से देखेंगे 7 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके यहाँ तक आ रहा है 7 इंची, यहाँ पर हो गया फिटिंग का। अब इसका बाजू का चौड़ाई देखेंगे, 11 बाजू का चौड़ाई है 5.5, 5.5 का डबल करेंगे तो 11 इंची हम यहाँ से ऐसे करके लेंगे, यहाँ 5.5 लेंगे तो 11 इंची का हो जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से सिलाई मार्जिन देंगे यहाँ से ऐसे और इसको कपड़ा को कटिंग कर देंगे। देखिए कितना इजी और आसान तरीका हमने आपको बताया बाजू कटिंग करने का, कम से कम समय में। तो इस तरह से आप बाजू कटिंग भी कर लें। कहीं से कोई झोल सिलवट कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग होगा। ये देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोल देंगे। खोलने के बाद ये जो आधा पल्ला से हम यहाँ से, ये देखिए बीच का सेंटर हुआ, यहाँ से हम 1/2 इंची कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये कटिंग वाला पार्ट आगे पल्ले में जुड़ाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे, ये आगे पीछे दोनों पल्ला बराबर करते हुए, और यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक कट का निशान यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये बीच के सेंटर हो गया। सिलते वक्त ध्यान रखना होगा, बीच में आना चाहिए तीरा के बीचों बीच। एक कट यहाँ पर भी लगाएंगे ताकि जब हम ये बाजू जोड़े तो ये कट वाला पार्ट दोनों आगे पल्ले में ही आना चाहिए, दोनों पल्ला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या सीखना है, हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।